रामगढ़ में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को लेकर प्रशासन दिखी सख्त। सुबह से जिला पुलिस ने अधिकारियों और जवानों ने सड़कों पर बढ़ाई सख्त। ई पास के बिना बाजार में निकले लोगों का काटा चला। गिर जिले के बहियार में एक वृद्ध व्यक्ति का खून से लथपथ शव मिलने से इलाके में दहशत का माहौल। परिजनों ने हत्या का लगाया आरोप। पुलिस मामले की जांच में जुटी। औरंगाबाद के कोविड 19 सेंटर में ऑक्सीजन फ्लोमीटर और जिले में ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी को देखते हुए स्वयंसेवी संस्था के द्वारा जिला प्रशासन को ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन फ्लोमीटर और मास्क सौंपा गया। वहीं सहायता के बाद जिलाधिकारी ने जताया आभार। रविगंज पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्यवाही करते हुए भारी मात्रा में गेहूं के अंदर रखा जावा महुआ किया बरामद। ट्रैक्टर चालक और सहयोगों को किया गया गिरफ्तार। ट्रैक्टर भी जब्त। चतरा में राज्य के श्रम नियोजन प्रशिक्षण कौशल विकास मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कोविड 19 को देखते हुए पूरे शहर को स्वच्छ बनाने के लिए नगर निगम के द्वारा खरीदी गई 10 कूड़ा गाड़ी की पूजा अर्चना का किया शुभारंभ। लखीसराय के पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने लॉकडाउन तथा कोविड नियमों के उल्लंघन मामले में किए गए कार्यवाही के आंकड़े को किया जारी। कहा 16 थाना की पुलिस के जांच के दौरान वसूले 7,64,500 रुपए। नवादा जिले के पकड़ी बरवा थाना क्षेत्र के हथियार गांव में लॉकडाउन के नियमों को लोगों ने उड़ाई धज्जियां। तिलक समारोह में बार बालाओं ने खूब लगाए ठुमके। सोशल डिस्टेंसिंग का रहा नजारा। भारत नेपाल सीमावर्ती क्षेत्र रक्सौल में टीकाकरण अभियान का एसडीएम आरती कुमारी ने लिया जायजा। शहर के केसीटीसी कॉलेज स्थित वैक्सीनेशन सेंटर और लोकरिया स्थित अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र का किया निरीक्षण। बिहार के जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रभात कुमार की कोरोना से हुई मौत। हैदराबाद में ली अंतिम सांस। जयपुर में मॉब लिंचिंग के शिकार हुए परिवार को 4 साल के बाद भी नहीं मिला न्याय। पीड़ित परिवार ने कहा न्यायालय पर है भरोसा, दोषियों को सजा दिलाने तक लड़ते रहेंगे। औरंगाबाद में कोरोना की रफ्तार हुई धीमी। जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल ने बताया कि कोरोना संक्रमितों की संख्या में हो रही कमी। जिला मुख्यालय स्थित आश्रय स्थल और सामुदायिक किचन में भोजन करने वालों का कोरोना टेस्ट किया गया। सदर अंचलाधिकारी के अनुसार सामुदायिक किचन में कोविड जांच की गई है व्यवस्था। जमशेदपुर में जिला प्रशासन का नए फरमान से परेशान हो टेम्पो चालक। चालकों ने राज्य सरकार से लगाई मदद की गुहार। घड़िया में फर्जी तरीके से रचा बीसीसीएल कर्मी के बैंक खाते से 12 लाख से अधिक रुपए निकाले गए। अवैध निकासी पर खाताधारी और उसके परिजनों ने किया बैंक में हंगामा। जमशेदपुर में भाजपा ने सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। सरकार को बताया किसान विरोधी एक दिवसीय वर्चुअल धरना से सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। जयपुर में पुलिसकर्मियों को कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर गोलमुड़ी स्थित पुलिस केंद्र में 30 बेड का ऑक्सीजन सपोर्टेड आइसोलेशन वार्ड का पुलिस वरीय अधिकारी डॉक्टर एम तमिल वारन ने किया उद्घाटन। सुरक्षा को लेकर किया अलर्ट। बोकारो में पीड़ित परिवार को मिला मुआवजा। चमोली में हादसे का शिकार हो गया था युवक। मृतक युवक के परिजनों को 4 लाख रुपए दिया गया चेक।